मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ और बेस्ट विशेस देने आया हूँ। अभिमन्यु सिंह जो हैं वो दोस्त हैं, इनके साथ मैं एक फिल्म भी कर चुका हूँ, बहुत अच्छे मित्र हैं और टीम में से भी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। नसीम भाई आशिम के साथ मैंने सीरीज की है और अदिति हैं, सब लोग हैं। माई बेस्ट विशेज टू द एंटायर टीम, द शो इज लुकिंग गुड एंड अभिमन्यु एंड ऑल ग्रेट प्रोड्यूसर्स रूपाली अभिमन्यु क्वांटलू फिल्म्स। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। Z5 के साथ मैंने रंगबाज किया था पार्ट टू, तो आई विश देम ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द शो। इज़ लुकिंग ग्रेट एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। लेजेंड्स हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं तो वेट कर रहा हूँ, जैसे ही अभी तो खैर शायद दो एपिसोड ही देखेंगे बट properly देखें। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, आपको बहुत जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। मैं कहना चाहूंगी कि ये शो बहुत ही इमोशनल शो है और आई थिंक इससे बहुत लोग कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं, ये रिश्तों के बारे में है, ये इमोशंस के बारे में है और एक ये बहुत बहुत सच्चा शो है। वेरी नाइस, बताओ क्या क्या। सो बिल्कुल, मैंने ट्रेलर देखा है और मुझे ट्रेलर बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। क्वांटलू एक मेरा परिवार है जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है और बहुत ही शानदार प्रोड्यूसर्स हैं और बहुत शिद्दत से मेहनत करते हैं, तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ अभिमन्यु को, रूपाली को, क्योंकि उन्होंने वो जो भी काम करते हैं वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। आई एम श्योर कि ताज जो है वो उनका बेस्टेस्ट प्रोडक्शन होगा और उनका सबसे अच्छा काम होगा। सो आई एम विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर ताज विल रॉक एज ताज महल। कैसे हो? सवाल कौन पूछ रहा है? जी वेल मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा कि पूरे मुग़ल सल्तनत का जो नज़रिया है जिन्होंने राइटिंग की है, डायरेक्शन और राइटिंग, वो अलग नज़रिया है। सो आई थॉट इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा जो शख्स है वो किसी इतिहास के पन्ने में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने मेरे शख्स के बारे में लिखा है और पोर्ट्रे किया है, मैं बहुत खुश था। So yeah, so all the very best to everybody in Z5 and all. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, पहला काम है मेरा तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि हमने बहुत प्यार मेहनत और शिद्दत से ये शो बनाया, तो आई होप पीपल लाइक इट एंड पीपल सी द एफर्ट एंड द लव एंड द पैशन दैट वी पुट इनटू मेकिंग दिस मॉन्यूमेंटल मैग्नम ओपस। बस थैंक यू। ताज का ट्रेलर जो है यार, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो
थैंक यू. अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा. सो आई एम सो हैप्पी टू बी हियर. जी के साथ एक बहुत ही पुराना रिश्ता है, आप जानते ही हैं, और मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं राघव कोड़ेसिया, जो कि इस शो के साथ में इन्वॉल्व हैं. सो आई न्यू अबाउट द शो फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड आई बीन वेरी एक्साइटेड सी इट. एंड द ट्रेलर इज रियली पाथ ब्रेकिंग, सो आई एम क्वाइट श्योर दैट दिस इज गोइंग टू हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क लिटरली. ऐसी बात नहीं है कि कहानी अच्छी तरीके से कही जानी चाहिए, वो ज़रूरी होती है. और कई बार जो है, मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द स्टोरी, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द इंट्रिकसीज ऑफ द स्टोरी. लाइक आई सेड कि मुझे जो टीम इसे हैंडल कर रही है Z5 से, या जो प्रोडक्शन इसे हैंडल कर रहा है, मुझे उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा. आई एम 100% श्योर दैट द एंटायर टीम इंक्लूडिंग द डायरेक्टर विल बी डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब विद अस. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय द शो. आपको तो मैं सुनाई दे रही हूँ, राइट. प्रोमो बहुत अच्छा लगा. ताहा के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है. ताहा के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सीरीज एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर स्टार कास्ट. I just said that Taha has been a very dear friend and I've worked with him, so I know him on a very personal basis. But other than that, I have always like had a girl crush on Aditi. I really love her. She is one of the prettiest girls that we have in our industry, and I'm really looking forward for the entire series. All the very best to the makers and the star cast and everybody who's worked really hard on this project. वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जब कर रहे थे बहुत मज़ा आ रहा था. सो अब मैं वेट कर रही थी कि कब रिलीज होगा. सो इट्स रिलीजिंग नाउ, सो आई एम वेरी हैप्पी. आई विश देम ऑल द बेस्ट. बहुत दिनों के बाद नहीं, वैसे तो अच्छी अच्छी बन रही है वेब सीरीज़, लेकिन ये वेब सीरीज़ आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक सच काइंड ऑफ बिग, वेरी बिग, क्या कहते हैं, तो बहुत सारे बड़े बड़े सेट्स हैं. बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से बनाया है. मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को अच्छा लगेगा. प्लीज एंजॉय इट. यस, मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज फाइनली इट्स अ कॉन्टिलो प्रोजेक्ट एंड आई बीन अ कॉन्टिलो आर्टिस्ट फॉर 4 years. मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शो कॉन्टिलो ने दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी. इट फील्स लाइक एक फैमिली के साथ हो, कुछ फैमिली का सपोर्ट करने आए हो. एंड जरीना मैम है इनके साथ, मैं ऑलरेडी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी एवरीबडी. एक अलग एंगल दिखाया है जो हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू. मैं बहुत ही बेताब हूँ ये सीरीज देखने के लिए. ये 2 साल की मेहनत है और हमारी टीम के लिए 5 साल की मेहनत है. तो हम बहुत ही प्यार और लगन से हमने ये शो बनाया है. हमें गर्व है इस शो पे और हमें कोशिश है कि आप लोगों को पसंद आए. और अगर आए तो ज़रूर मैसेज करिएगा. एवरीबडी ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ, लव यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Ready guys, ready. यार मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ. हाँ, बिकॉज मेरे इनफैक्ट आदित्य और ताहा दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स. एंड ताहा स्पेशली बिकॉज उसके जो लुक्स होते हैं ना, वो लुक्स पे बड़ा मेहनत करता है, जैसे कि मैं. सो आई गेट वेरी हैप्पी व्हेन माय एक्टर फ्रेंड्स डू एंड स्पेशली माय ब्रदर लाइक ताहा हु वर्क सो हार्ड.
सो उसके लिए स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ देखिएगा, नरसिंह साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सो आई कांट वेट फॉर वॉचिंग इट डे आफ्टर, सो जब भी आप ये देखो प्लीज़ वॉच इट एएसएपी, लव यू गाइस, प्लीज़ वॉच इट। मुझे लगता है कि जब भी कुछ ऐसा बनता है इंटरेस्टिंग पीस, मुझे लगता है एज एन ऑडियंस आई मस्ट वॉच, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, स्पेशली इतने सारे दिग्गज कलाकार हैं, नसीर साहब है, एंड आई फील के स्पेशली विद कॉन्टिलो फिल्म्स एंड अभिमन्यु सिंह इज अ डियर फ्रेंड एंड रूपाली, आई थिंक उनके लिए ये बहुत ही एक यू नो इट्स अ ब्रिलियंट आई वुड से वेंचर, एंड उनको बेस्ट विशेज देने के लिए तो डेफिनेटली मेरा भी हक बनता है, एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम हियर, थैंक यू। ठीक हो, अदिति एक्साइटेड, आई होप लोगों को अच्छी लगे, 3rd of March को रिलीज़ हो रही है ताज, और एक एपिक फैमिली ड्रामा लव स्टोरी सब कुछ है इसमें, और पीरियड है तो हिस्टोरिकल है, आई होप सबको अच्छी लगे। मैं अनारकली का किरदार निभा रही हूँ, बट ये अलग अनारकली है, एक बहुत ह्यूमन अनारकली है। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जब अनारकली का नाम सुनते हैं तो सिर्फ एक ही नाम आता है, लेकिन हम मुगले आज़म नहीं बना रहे हैं, अलग ये एक अलग कहानी है, और आई होप सबको अच्छी लगे, थैंक यू। Should I just come there then? But I just can't wait for everybody to watch it. It's a very big day and we worked very hard, so I just hope that everybody likes it. Thank you very much.